हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एमएसएमई की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, जिसमें आप लोगों को सैलरी 80,993 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंटीमेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंटीमेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आप लोग इनिशियली 5 साल के लिए हायर किया जाएगा और उस 5 ईयर्स में आप लोग का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। सीनियर इंजीनियर और सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आप लोग का पे स्केल लेवल 7 के हिसाब से रहेगी, और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 80,993 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट स्टेज जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें आप लोग का पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से रहेगी, और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 64,938 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। और लास्ट डे सीनियर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप लोग का पे स्केल लेवल 5 के हिसाब से रहेगी, और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 54,460 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट स्टेज जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेज सीनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और लास्ट डे सीनियर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन और मेकाट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहीं पर नहीं रखा गया है। हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको अच्छे से फिल करना होगा, और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम। और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस एनवलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इसमें मेंशन है, आप लोग को उसी एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। बेसिक पे के साथ साथ जो भी अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 5 जून 2023। तो फ्रेंड्स, यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, इसको आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ
अटैच करके एक इनवेलॉप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इसने मेंशन दे आप लोग को उसी एड्रेस पे 5 जून 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।